जैसे कि कमेटी की ओर से ड्यूटी लगाई गई है कि सफाई है पूरी तरह से ध्यान रखा जाए रोडों के ऊपर, जैसे कि कमेटी वाले अपने हिसाब से सफाई करते हैं, वहीं प्रशासन की ओर से एक ऐसी मशीन सिरसा के अंदर लगा दी गई है जो कि डिवाइडर है, डिवाइडर के कोनों के अंदर से जो मिट्टी है, कचरा है, डस्टिंग है उसको निकालेगी। आपको हम दिखा देते हैं किस तरह की वो मशीन है, टोटल किस तरह से वो मशीन कार्य करती है और इनका टाइमिंग क्या है वो भी हम इनसे जानेंगे और इस मशीन की जो विशेषता है वो भी हम आपको इन लोगों से जानेंगे कि इस मशीन के अंदर विशेषता क्या है और किस तरह से मशीन कार्य करती है और यहाँ से कचरा इकट्ठा करती है मशीन कहाँ पर कचरा डाल के आती है। तो आइए मेरे साथ जान लेते हैं किस तरह से मशीन कार्य करती है। रमेश्वर दास। तो आप ये गाड़ी कमेटी की ओर से लगाई गई है, क्या नाम है इस गाड़ी का और कहाँ कहाँ जाती है सफाई के लिए? इस गाड़ी का नाम है रोड स्वीपर मशीन। तो ये जो जितना सिरसा शहर है फुटबार की ये स्पेशल गाड़ी है, फुटबार साफ फुटबार का जो एरिया वो साफ करेगी। तो फिर कितनी गाड़ियाँ आई है टोटल? ये हरियाणा के अंदर टोटल 45 गाड़ी आई है, एक जिले पीछे एक गाड़ी दो गाड़ी जितना बड़ा एरिया है उतनी बड़ी उतने हिसाब से गाड़ी मिलती है। तो इस गाड़ी के अंदर कितनी टेप बिठाई गई है काम करने के लिए? काम कैसे करती है गाड़ी? 8 घंटे। कैसे काम करती है गाड़ी, किस तरह से, क्या विशेषता है इसके अंदर, खास बात क्या है इस गाड़ी की? खास बात तो यही है कि ये मिट्टी जो डस्ट है वो फुर्स के साथ साफ करेगी और अपने अंदर इकट्ठा कर देगी सारे पीछे की तरफ। फिर इसको मतलब इकट्ठा करके कहाँ, जहाँ ये थोड़ा घेरते हैं लोग कमेटी हो रहे हैं वहाँ डंपिंग से इसको खाली करके आते हैं। सुबह कितने बजे निकलती है ये गाड़ी कमेटी से? ये भाई टाइम फिक्स नहीं हुआ जितना ये वैसे है, इसका परमानेंट रात की ड्यूटी रात में चलने वाली है। तो आप प्रशासन की ओर से हैं या फिर प्राइवेट ड्यूटी पर हैं? प्राइवेट ड्यूटी।